हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शामीम और आप देख रहे हैं शामीम ट्रेडिंग और यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है, वीडियो के टॉपिक होने वाला है बहुत तगड़ा वाला होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक शियो शॉर्ट पैटर्न आपके साथ रिवील करने जा रहा हूँ, जो मेरा फेवरेट है, पर्सनल मेरा फेवरेट है। इससे मैं बहुत अच्छे से प्रॉफिट करता हूँ, ठीक है, और आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। आई थिंक आप भी इससे बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर सकते, विन नहीं कर सकते, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पर डे मैं 10-15 सिग्नल ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ, जब जब मैं ट्रेड लेता हूँ, और सारे के सारे शियो शॉट विन ही होता है, ठीक है। दिन एंड के बाद आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। तो जरूर से जाके ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये जो शियो शॉट होने वाला है, ये शियो शॉट के ऊपर ही मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। $100 का 2 ट्रेड मैंने लिया हुआ है, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा विक्ट्री मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये कितना बड़ा कैंडल बना के मुझे शियो शॉट विन दे रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही शियो शॉट आप भी कर सकते हो, ठीक है। आप खुद से नहीं कर सकते तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और मैं जो शियो शॉट मैं आपको ये रिवील करने वाला हूँ, इससे भी आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, इसका कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा मार्केट में इसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। इसका एक्यूरेसी कितना देगा, 100% देगा कि 90% देगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, कब देगा मैं बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं, ठीक है। सो गाइज, हम आ चुके हैं चार्ट के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, कौन सी मार्केट में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा एक हैमर, ठीक है। आपको ये जो पैटर्न है, एक हैमर के ऊपर ही है, और आपको यहाँ पर एक रेंजिंग मार्केट लेना है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर एक ग्रीन हैमर क्रिएट हुआ है, इसके बाद हमको रेड में ट्रेड लेना था, ठीक है। यहाँ पर एक रेड हैमर होना है, यहाँ पर हमको इसके बाद भी आपको रेड में ही ट्रेड लेना है, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर काम करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा, मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर सपोज कर लो, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर एक हैमर क्रिएट होगा, ठीक है। एक इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, बाय हैमर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो जो हैमर है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। वो जो हैमर क्रिएट हुआ वो रेजिस्टेंस लेवल के अंदर क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद वाला ट्रेड हम डाउन की तरफ जा सकते थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, सपोज, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हैमर क्रिएट होगा, रेड कलर का, ग्रीन कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर हम आपकी तरफ ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक हैमर क्रिएट होगा जो रेजिस्टेंस लेवल के अंदर होगा, ठीक है, बाहर नहीं होगा, अंदर होगा। उसके बाद हम रेड की तरफ ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, 100% श्योर के साथ। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन कोई बात नहीं, हैमर हुआ भी इन्वर्टेड हैमर, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम रेड की तरफ ट्रेड ले सकते थे, देखो यहाँ पर देखो, ये हैमर क्रिएट हुआ, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं डाउन की तरफ, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना है कि हैमर होगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक हैमर क्रिएट होगा, सपोज यहाँ पर सपोर्ट लेवल होता तो हम डाउन की तरफ जा सकते थे, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर इसलिए ट्रेड लिया था, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, नीचे एक सपोर्ट लेवल था, वहाँ पर जाके हैमर प्रॉपर हैमर क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता था यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपकी तरफ ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन हैमर क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है, इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस लेवल होगा तो हम डाउन की तरफ यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, 101% श्योर यहाँ पर हमारा विन हो चुका होगा, ठीक है। मैं आपको PBS कुछ दिखा देता हूँ, PBS कुछ ट्रेड दिखा देता हूँ, मैं लाइव ट्रेड करके आपको दिखा दे, हम PBS कुछ दिखा देता हूँ, कहाँ पर काम किया है, कहाँ पर नहीं किया है। ये हर जगह काम करेगा, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना पड़ेगा सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल, और वो ब्रेक ना हो, ठीक है। अगर ब्रेक कर देगा तो वो नहीं होगा, अगर उसके अंदर क्लोज होगा तो उस सपोर्ट हम वो शियो शॉट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऐसे ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, एक चैनलिंग डाउन जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है, ऊपर वाला जो है वहाँ पर एक हैमर क्रिएट हो, और नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पर एक हैमर क्रिएट हो, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड ले सकते थे, देखो यहाँ पर एक हैमर क्रिएट हुआ, हम डाउन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर एक हैमर क्रिएट है, हम आपकी तरफ जा सकते थे। यहाँ पर एक हैमर क्रिएट हो, हम आपकी तरफ जा सकते थे, ठीक है। यहाँ पर भी एक हैमर क्रिएट हो, हम आपकी तरफ जा सकते थे, ठीक है। यहाँ पर एक हैमर क्रिएट हो, हम डाउन की तरफ जा सकते थे। सिंपल से स्ट्रेटजी है, आपको शियो शॉट बहुत अच्छे से विन देगा, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रॉफिट कराएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, देखो हर जगह काम करता है, ठीक है, हर जगह काम करता है, लाइव मार्केट, OTC मार्केट, कहाँ पर भी आप काम करो, हर जगह काम करता है, ठीक है। और एक रिक्वायरमेंट है, अगर ये जो हैमर क्रिएट हो रहा है उसका टेल ना हो तो बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगर उसका टेल ना हो तो बहुत स्ट्रांग होगा, तो अब आप 100% श्योर होकर टेल ले सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये हैमर क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसका टेल नहीं है, तो हम 100% श्योर होकर डाउन की तरफ यहाँ पर टेल ले सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा, कैसे लगे वीडियो बताना कमेंट में, और आपको अगर मदद मिल रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अगर हम नए हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।